एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी दिखाई दिया। उस पक्षी का रंग सफेद था। वह तुरंत उस पक्षी के पास उड़कर गया और पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। पक्षी ने हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा ही खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने हंसकर कहा, नहीं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई और है। कौवा हैरान हो गया और पूछा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? तो हंस ने कहा, तोता। अब कौवा वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा और कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते का गला लाल रंग और शरीर हरा रंग का था। कौवा ने उसे कहा, यार तुम तो बड़े ही खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार और खूबसूरत जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर कोई और है। कौवा हैरान हो गया और पूछा, कौन है वो जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर और शानदार है? तो तोते ने कहा, मोर। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। फिर उसे कुछ दिनों के बाद पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वो बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। उसके बाद कौवा मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मजे? तो कौवे ने कहा, तुम देखने में खूबसूरत हो और तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और तुम्हें खाने की तलाश करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी। तो मोर ने उदास होकर कहा, मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में अब गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। इसके बाद कौवा को एहसास हुआ, वो दिखने में भले ही काला हो पर उसकी जिंदगी इस पिंजरे में बंद सुंदर और शानदार मोर से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके बाद खुशी खुशी कौवा वहां से उड़कर जंगलों की तरफ चला गया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी किसी से तुलना मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुलना करके उसके जैसा आप बन तो नहीं पाओगे। उसके बाद आपके पास उतना वक्त नहीं बचेगा कि आप खुद को सुधार सको और कुछ कर सको।